फ्रेंड्स मैं हम सूर्य हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इसका एक ऐसा ट्रेलर आया जिसकी वजह से मुझे जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है जरूर सैफ अली खान ने और मेकर्स ने। ये मैं बात कर रहा हूं बाजार फिल्म की जो काफी वक्त से डिले हो रही थी। बहुत ज्यादा डिले होने के बाद आखिरकार इसे एक रिलीज डेट मिली है और आपको रिलीज डेट यहाँ पर दिखा देता हूँ। 26 अक्टूबर की इसकी रिलीज डेट है। अब आप सोचोगे इसमें खास क्या है। ये उस प्रिंसिपल पे आधारित है या उन बिजनेसमैन लोगों पे आधारित है जो अपना एक रुपया भी खर्च करना नहीं जानते हैं, जो जितना ज्यादा हो सकता है वो पैसे कमाना जानते हैं, चाहे वो लाइन क्रॉस क्यों ना करनी पड़े। इसका एक ही डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये जो डायलॉग है, बड़े आदमी बनना है तो लाइन क्रॉस करनी होगी, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको बड़े आदमी बनना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट करना ही होगा। और एट द एंड में जो डायलॉग है वो बहुत बढ़िया है कि इस देश को कुछ चंद अमीर फैमिलीज चलाती है, टाटा बिरला। मैं चाहता हूं अब सब बदलाव होना चाहिए, सब उसमें चेंजेस होना चाहिए, अब कोठारी भी आना चाहिए, कोठारी लोग भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कोठारी सरने वाले जो लोग हैं उनका एक किरदार रोल प्ले कर रहे हैं और इनका जो बालों में देखो किस तरह डाई लगा, मतलब एक कैरेक्टर शेड जो इनका है वो 45 साल के आसपास के बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं। एक यंग बंदा जो आता है कहीं दूर से आता है मुंबई में और ये कहता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सेटल होने आया, यानी कि मैं यहाँ पे अपना कुछ करने आया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसकी तरह बनना चाहता है और ये है कि है ना अपने ही धुन में रहता है। बाद में इसको समझ में आता है कि एक अच्छा बंदा है। अब क्या ये इसकी तरह बन पाता है या ये अपने बिजनेस में ग्रो हो पाता है, ये कहीं ना कहीं कहानी है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि यहाँ पर पोस्टर यहीं की होना चाहिए, राधिका आप्टे का, वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है इस फिल्म में। लेकिन मुझे ट्रेलर जबरदस्त लगा है। आई कैन नॉट इग्नोर दैट कि ट्रेलर फालतू था। जिन लोगों को फालतू लगा यार भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेलर एक नंबर ट्रेलर है। मैं ये नहीं कह सकता कि फिल्म बहुत चलेगी या नहीं चलेगी, बट दिस फिल्म सर्टेनली हैज समथिंग न्यू टू से, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर मुझे अच्छी लगी फिल्म और रिटेन बाय जो है परवेश शेख और अजीम अरोरा ने इसे रोल किया है। तो एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बढ़िया फिल्म है यार। मुझे बस ये कहूंगा कि आप लोग भी जरूर इसका ट्रेलर देखें और आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ अलग लेके आ रहा है सैफ अली खान। और मैं ये कहूंगा कि सैफ अली खान के दिन वापस आ चुके हैं तो गलत नहीं होगा। और नाम भी बहुत अच्छे से लिखा, बाजार लिखा है और आर की जगह रूपी डाल दिया है, यानी कि दिमाग है। बढ़िया फिल्म है, 26 तारीख को रिलीज होने वाली है। बाजार का ट्रेलर मुझे कमाल का लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही। Bye-bye.